मैं हिमांशु गंगवार, अतिथि व्याख्याता संस्कृत, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि हमें पता है कि ये समय ट्रांजेक्शन का है और सभी भाषाएं और सभी विषय जो समय के साथ अपने को परिवर्तित नहीं करेंगे और समस्याओं का समाधान नहीं खोजेंगे और जो अपनी आवश्यकता के अनुसार, समय की आवश्यकता के अनुसार अपने को परिवर्तित नहीं करेंगे, वो विषय पिछड़ जाएंगे। संस्कृत भी इसका अपवाद नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में स्वीकार की गई और आज बोलचाल में हम कई कन्फ्यूजन हमें होते हैं जिन्हें प्रमादवश हम ध्यान नहीं देते हैं। जिसमें से एक कन्फ्यूजन है कि क, च, ट, त, प इन वर्गों का सीक्वेंस क्या होगा। दूसरा है कि स, श, स का उच्चारण कैसे करना है। स्वर संधि की परिभाषा अका सवर्ण दीर्घ का हम प्रयोग करते हैं, पर अका क्या है इसमें थोड़ा प्रमादवश हमारा ध्यान नहीं जाता है। ये सारी समस्याएं, इन सबका सॉल्यूशन हमको संस्कृत व्याकरण में ज्ञात होता है, जिसमें व्यंजन वर्गों का क्रम हमें कु चु टु तुपु इस सूत्र से ज्ञात होता है। संस्कृत में तीन सूत्र जो श, श, स का उच्चारण हमको बताते हैं, ये सूत्र हैं तालव्य स के लिए इचु यषाणाम तालु, ऋतु रषाणाम मूर्धा मूर्धन्य स के लिए और लितु लसानाम दंता दंत स के लिए। इस सूत्र का अर्थ है इचु यषाणाम तालु, इस सूत्र का अर्थ है ई, च वर्ग, य और श, श इनका उच्चारण स्थान तालु है। ई, च, छ, ज, झ, ञ, य, श का उच्चारण स्थान तालु है। री, री, ट, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ली, त, थ, द, ध, न, ल, स इनका उच्चारण स्थान दांत है। तो इनसे हमें पता चलता है कि दंत सा का उच्चारण हमें सा दांत, जैसे ली, ता, ता, था, द, ध, न का उच्चारण हम करते हैं, उसी तरह सा का हमें उच्चारण दांत से करना है। इसी तरह री, ट, ठ, ड, ढ, ण, ष का उच्चारण हमको मूर्धा से करना है। ई, च, छ, ज, झ, ञ, ष का उच्चारण हमको तालु से करना है। और इससे पहले इसको, इन तीन अक्षर वेदों के से पहले हम सामान्यतः तालव्य स के लिए शरीफा सा प्रयोग करते थे या षटकोण स, श के लिए हम मूर्धन्य स के लिए यूज करते थे और दंत सा, सपेरा सा या सीटी सा को हम दंत सा के लिए हम यूज करते थे। लेकिन अब इस, इन तीनों सूत्रों के प्रयोग से हमको ज्ञात हो गया है कि इनके वाइब्रेशन में क्या अंतर है और इस अंतर से हमें जो वास्तविक इसका उच्चारण कैसे हमको दंत सा, सा से करना है, मूर्धन्य ष से करना है और तालव्य स से करना है, ये हमको ज्ञात होता है। इस प्रकार हिंदी की दो समस्याओं का समाधान हमको संस्कृत व्याकरण से ज्ञात होता है। तीसरी समस्या है कि हम उदाहरण के लिए संधि में, दीर्घ संधि के लिए हम परिभाषा में प्रयोग करते हैं अक सवर्ण दीर्घ, लेकिन इसमें अक क्या है ये हमको हिंदी में ज्ञात नहीं होता। इसका हम, इसको हम जानने के लिए संस्कृत व्याकरण में आते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि माहेश्वर सूत्र के दो प्रत्याहारों से हमें अक का पता चलता है। अब ये माहेश्वर सूत्र क्या है, तो उसमें मध्य सिद्धांत कौमुदी में वर्णित है, नत्वा वरद राजा श्री गुरु भट्टोजी दीक्षितान करोति पाणिनीया नाम मध्य सिद्धांत कौमुदी अयि उण रिलरिक एयोंग अयोच हैवरट लण यमंगणम जभई घट दस जब घट दस कफ चट चट कपय सत सर हल इति माहेश्वराणी सूत्राणादि संगयाथानी एसाम अंत्य इत। अब इस माहेश्वर सूत्र में हमें 14 सूत्र ज्ञात होते हैं, जिसमें पहला सूत्र है आई उण, दूसरा सूत्र है रिलरिक, तीसरा सूत्र है ए ओंग, चौथा सूत्र है अयौच, पांचवा सूत्र है हयवरट,
छठा सूत्र है लण, सातवां सूत्र है यमंगणम, आठवां सूत्र है जभई, नौवां सूत्र है घट दस, दसवां सूत्र है जब घट दस, ग्यारहवां सूत्र है खफ छठ चट तव, बारहवां सूत्र है कपय, तेरहवां सूत्र है स षर, चौदहवां सूत्र है हल। तो इस प्रकार हमें माहेश्वर सूत्र के 14 सूत्र ज्ञात होते हैं। अब इसमें हमें कई प्रत्याहार ज्ञात होते हैं। इन प्रत्याहारों को जानने के लिए हम जो अंत्य वर्ण है, अंत्य वर्ण का तात्पर्य है जो अंतिम वर्ण है उसको हम छोड़ देते हैं, और आदि वर्ण जो स्टार्टिंग का वर्ण है वो, और आदि और अंत वर्ण या प्रारंभिक और अंतिम वर्ण है उसके बीच में प्रारंभिक वर्ण और बीच के सारे वर्णों को हम लेंगे, और वो उससे हमको ज्ञात होगा कि ये जो अक है, तो उससे हमें पता चलता है कि अ ई उ रील री, ये पांच वर्ण इनके अगर समान वर्ण आए तो फिर हमें दीर्घ की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार सारे प्रत्याहारों से हमें संस्कृत व्याकरण के आधार या नींव का पता चलता है। यही माहेश्वर सूत्र का महत्व है, इसीलिए माहेश्वर सूत्र को सबसे आरंभ में वर्णित किया जाता है। और आज की क्लास में हमने संस्कृत व्याकरण का बेसिक हमने जाना, और एक महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण सूत्र माहेश्वर सूत्र जाना, और अगली क्लास में हम प्रत्याहार और संबंधित विषयों की जानकारी लेंगे और अदर दूसरे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।